अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ऐसी कीमे की रेसिपी ना आपको जल्दी होटल में मिलेगा देखने के लिए, ना ढाबे पर, और ना ही स्ट्रीट वाले के पास यानी ठेले वाले के पास। उन सबसे कहीं बेहतर है जो रेसिपी आज मैं कीमे की शेयर कर रही हूँ, तो ये है कीमा दो प्याज़ की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आधा के जी मैंने मीट लिया है, और जब भी हम कीमे के लिए मीट मंगाते हैं तो ऐसे तीन या चार बहुत ही अच्छे कूचने वाले हड्डी डाल देते हैं कीमे वाले। तो वैसे हमने दिखा दिया, अब उसमें मसाले क्या क्या जाएंगे। दो बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, तीन लौंग, और दालचीनी आपके पास हो तो एक इंच आप दालचीनी का टुकड़ा डाल लीजिए। मेरे पास पाउडर है तो वो डालूँगी। और स्याह जीरा लिया है मैंने, और कढ़ाई में कुकर में मैंने तेल डाल दिया है। दो चम्मच लगभग हमने तेल का इस्तेमाल किया है, सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जो जब तेल गरम हो जाएगा तो स्याह जीरा के बाद मैंने इसमें कबाब चीनी भी लिया है थोड़ा सा, एक चौथाई चम्मच। तो डाल दीजिएगा, जब खड़े मसाले अच्छे से चटक जाएंगे तो सारे कीमे को इसमें हम ऐड करेंगे और इसको कलर छोड़ने तक भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। लहसुन लिया है मैंने, एक इंच अदरक लिया है, इसको मैं खलबट्टे में डाल के कूच लूँगी। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कूच के डाल रही हूँ। तो लगभग ये 5 मिनट हो गया है कीमा भुनते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और तेल भी सेपरेट दिख रहा है। उस टाइम हमने इसमें ऐड किया है कूचा हुआ अदरक और लहसुन। अब उसके साथ हम इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। जब अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। उसमें 1/4 चम्मच हमने डाला है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ जो हमने इलायची का पाउडर बोला था वो, और 1 चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स नहीं हो तो कूट के आप लाल मिर्च डाल दीजिएगा। 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, तीखी वाली लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड किया है। इन सब मसालों को हम 1 मिनट तक लिए भून लेंगे। फ्लेम को इन सब प्रोसेस में मीडियम रखेंगे। उसके बाद जब मसाले भुन जाएंगे तो इसमें हम 2 मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर काट के डाल देंगे, और थोड़ा सा ढक देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर सॉफ्ट भी हो जाए, तेल भी सेपरेट दिखने लगे। देखिए कलछी में और चारों तरफ तेल अलग दिख रहा है, यानी सब कुछ ही अच्छे से भून चुका है। तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 से 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1/2 गिलास पानी अभी हमने डाला है, 1/2 गिलास और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और 1 गिलास लगभग टोटल हमने इसमें पानी डाला है। और कुकर का लिड लगा देंगे। 2 सीटी जब लग जाएगा तो फ्लेम को हम स्लो कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद जब अपने आप इसका गैस निकल जाएगा तब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। उसके बाद हमने खोला है तो देखिए अच्छे से गल चुका है। अगर आप चाहें तो चेक करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये अच्छे से नरम हो जाता है, गल जाता है इतने में। और इसमें थोड़ा बहुत जो कसर है तो उसको हम फिर से गैस पे कुकर को चढ़ाएंगे और अच्छे से इसमें भून लेंगे। यहाँ हमने धनिया पत्ती काट के बारीक रखा है, 2 हरी मिर्च को काट लिया है, और जूनियर अदरक काट लिया है लंबे लंबे पतले से स्लाइस में, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बीच से 2 टुकड़ों में काट के, और इसको हमने सलाद जैसे जैसे सलाद बनाते हैं ना उस तरीके से 20 टुकड़ों से काट के काट लिया है, और हाथों से ऐसे थोड़ा सा मसल लिया है। सब इसमें अलग अलग हो गया है प्याज, तब इसमें हम डालेंगे और डाल के मिक्स कर देंगे। गैस पे ही अभी हमने चढ़ाया है, फ्लेम को मीडियम किया है, और 5 मिनट हम इसे ढक के हल्का सा प्याज को सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे प्याज को। नमक आप यहाँ चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। और 5 मिनट पकने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। ये इतनी अच्छी बनती है कि इससे एक दिन पहले मैंने मेरे बच्चे लेके आए थे ठेले से कीमा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं बोली इससे अच्छा तो मैं तुम लोगों को बना के खिला दूँगी। तो दूसरे दिन मैंने बनाया था, ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि रोटियाँ कम पड़ गई, दोबारा मुझे बनानी पड़ी। और लास्ट में मैंने इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। मिला लेते हैं, बस अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए बन के ये कीमा तैयार हो गया है। अब इसको हम
फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट बाद इसे हम सर्व करेंगे, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अभी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। बस फ्लेम को अब यहाँ हम बंद करेंगे। कीमा बन के रेडी हो गया, सब कुछ अच्छे से पक गया है, भुन गया है। तो एक बार फ्लेम बंद होने के बाद मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्टी और बहुत ही अच्छी कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार आपने इसे मेरे तरीके से बना लिया तो आप बार बार कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे, पुराने सारे तरीके आप भूल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धनिया पत्ती थोड़ा सा हमने बचा लिया था और थोड़ा सा हरी मिर्च भी मैंने बचा लिया था, वो ऊपर से डाल दूँगी। अदरक भी थोड़ा सा हमने बचाया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए, तो ऊपर से डाल देते हैं। ये देखने में अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, ये मेरा दावा है, बहुत अच्छी बनती है। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको नहीं पसंद आए ना तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने कैसे बताया था पसंद नहीं आया। मुझे पूरा भरोसा है बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है। तो ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हमने इसे सर्व कर दिया है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, कुलचे के साथ या नान के साथ, किसी भी साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।